नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, बात करता हूं मोस्ट एंटिसिपेटेड मच अवेटेड मूवी की, जो के सूर्या के कैरियर की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मूवी मानी जाती है। यार ये जो मूवी है, इसकी प्लानिंग की अगर बात करें तो भाई 2019 से इसकी जो है प्लानिंग चल रही है। 19, 20, 21, 22, 23 यानी 5 ईयर्स हो चुकी हैं भाई इस मूवी की जस्ट प्लानिंग से। इसकी जो है अनाउंसमेंट हुई थी 2019 में हुई थी, और फिर इसका जो काम है 2021 में प्री प्रोडक्शन स्टेज पे स्टार्ट हो चुका था। और इसी तरीके से अगर बात करें 2023 की, तो भाई इसकी जो है अप्रैल 2023 में अनाउंसमेंट होती है, और फिर इसकी जब फर्स्ट जो ग्लिम्स आती है भाई, तबाही मच जाती है। तबाही जुलाई 2023 में, जिसमें भाई एक वीर योद्धा दिखाया जाता है मालाकिन कुल का, और उसमें भाई वो किस किस तरीके से भाई जो अपना एरिया होता है, अपना कबीला होता है, उस तरीके से भाई बचाता है। उसकी अगर कंपेयरिंग की बात करें तो भाई पहाड़ों से लेकर, आकाश से लेकर, वायु से लेकर, आग से लेकर, दरख्तों से लेकर, और हैवान उनके नाम से दूर दूर से सुन सुन के भाई भाग जाते हैं, और उनकी जो दहशत इतनी भाई, दुश्मन भाई उनका नाम सुन के भाई कांपने लगते हैं। तो भाई एक भाई लेवल की जो है प्रोटेक्शन लीडर इसको रिप्रेजेंट किया गया है भाई सूर्या भाई को। अगर सूर्या भाई की पर्सनली भाई बात करें तो भाई ये मेरे एक फेवरेट एक्टर्स में से एक एक्टर है, और इन्होंने भाई 6 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते हैं, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव हीरो भी माने जाते हैं भाई, हाईएस्ट पेड एक्टर भी माने जाते हैं। और इस मूवी में भाई इसके साथ भाई हीरो दिशा पटानी भी है, और बॉबी देओल भी है, और जगपति बाबू भी है। तो भाई क्या बात है इस मूवी की यार, अगर इस मूवी की, और आज भाई मैंने तो देखा, मैंने कहा भाई ये क्या चीज है, ये हॉलीवुड की मूवी है या बॉलीवुड की है या क्या है भाई। ये जो मूवी रिलीज हो रही है ये जस्ट 8 लैंग्वेज में हुई है भाई, 8 से 10 लैंग्वेज में हो रही है। और इस तरीके से यार जो बाहुबली है, एक बेस्ट से बेस्ट मूवी है, आई लाइक इट मोस्ट। पर इसके सामने तो भाई वो मुझे कुछ ही नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि भाई ये किस लेवल की मूवी है भाइयों। यार इस मूवी में जिस तरीके से यार कस्ट्यूम्स यूज किए गए, जिस तरीके से उस योद्धा को रिप्रेजेंट किया गया है, अभी भाई विलन शिलन कुछ भी नहीं है, अभी तो भाई उस योद्धा की बात चल रही है। और यार ये जो नया पोस्टर आया उसमें यार उसका जो है डिसेंट सा लुक भी दिखाया गया है, जो है एंशियंट सा लुक भी दिखाया गया है, और फ्यूचर भी दिखाया गया है। भाई इस मूवी में ये रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं यार, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में एक से एक दबंग रोल दिखाया गया है भाई। तो भाई इस मूवी की अगर ओवरऑल बात करें तो भाई इसकी, तो भाई इसकी एक क्लास होती है ना भाई, क्लास वो इसकी जो क्लास है वो क्लास ही अलग है। तो भाई इस मूवी में अगर ओवरऑल देखें यार, जिस टाइप की इसकी कॉस्ट्यूम्स, जिस टाइप के इसमें भाई सीन दिखाए गए हैं, जिस टाइप की ग्लिप्स दिखाई गई है भाई, वाकई द पावरफुल पर्सन है। और यार इसके भाई क्या रिव्यूज की बात करो यार, कमेंट्स में देखूं भाई एक से एक कमेंट्स परफेक्ट से परफेक्ट यार, जितनी इसकी यार तारीफ करें उतनी कम है भाई। प्योर गूज बम्स, डेट इज द पावर ऑफ द मैन, द स्टोरी, द वाइल्ड, द फायर, पता नहीं किन किन चीजों से भाई फैंस ने कंपेयर किया हुआ है। और यार इस मूवी की यार क्या हाइप है यार, हर मुंह से यार इसी मूवी का यार नाम उगलवा दिखाई दे रहा है। और इस हिसाब से भाई लगता है तो भाई ये जो मूवी है ये एक क्लास की मूवी होने वाली है। और यार होगी क्यों ना यार, इतनी सारी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, और इसके अलावा यार बाहुबली की तरह ये भी 2 पार्ट्स में यार रिलीज होगी, पार्ट 1 में पार्ट 2 में। बताया जा रहा है कि भाई जो पार्ट 1 है वो 2 आवर्स 2 मिनट्स का होगा तकरीबन, ये अप्रैल में जो है रिलीज होने वाली है ये भी बताया जा रहा था। लेकिन हो सकता है कि इसकी डेट भी अभी आगे पीछे हो भाई, जिस लेवल की ये मूवी लग रही है, मुझे तो लग रहा है कि भाई इसकी डेट हो सकता है चेंज हो जाए। 5 ईयर तो ऑलरेडी हो चुकी है, अभी आप खुद अंदाजा लगाएं यार जिस मूवी पे 5 ईयर की प्लानिंग हो वो किस लेवल की मूवी होगी। और यार इसमें जो म्यूजिक है यार क्या बात करें यार, कांगा यार क्या बात है यार, उसमें जो बैकग्राउंड साउंड्स होती हैं, जिस हिसाब से यार उस योद्धा को रिप्रेजेंट किया गया है भाई, जिस तरीके से उसकी दहशत, जिस तरीके से उसके कॉस्ट्यूम्स भाई भाव भरी, तो भाई इसके सामने मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। बाहुबली इज द बेस्ट मूवी, मैं मेरी फेवरेट मूवी है, लेकिन यार ये तो यार किसी क्लास की मूवी लग रही है यार, किसी लेवल की मूवी लग रही है यार, क्या लेवल है भाई। सिवा डायरेक्टर ने तो भाई इस मूवी में भाई कमाल ही कर डाला है, और ऊपर से यार बैकग्राउंड म्यूजिक, और ऊपर से यार इसका जो लुक है, इसकी जो टोन है, इसकी जो व्यूअल्स हैं, इसकी जो ग्राफिक्स हैं, यार क्या बात करें यार, ये जो है ये 70mm स्क्रीन पे यार IMAX पे, तो भाई इसका तो भाई मजा ही अपना होगा यार। इसकी जितनी भी बात करें उतनी कम है यार, इस मूवी की जितनी हाइप है, जितनी एक्साइटमेंट है, जिसके जितना क्रेज है यार, इसका जो नशा है वो बिल्कुल सर पे छाया हुआ है यार। ये जो मूवी है इसके लिए तो भाई सूर्या के फैंस तो छोड़ो भाई,
पैन वर्ल्ड में, यानी मैं होल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ भाई, इसका जो क्रेज है वो देखने को मिलता है यार। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन सिनेमा यार। जैसे ही भाई ये जो हमारा साउथ जागा है तो भाई इसमें जैसे हाईलाइट हुआ है, उसके बाद यार एक से एक मूवी बिंदास यार। काल के 2898 वो भी एक लेवल की मूवी लग रही है भाई। प्रभास भाई का एक मेगा प्रोजेक्ट है भाई, 600 करोड़ का है, जिसमें भाई हमें दीपिका पाडुकोण, अमिताभ बच्चन और बहुत ही बड़े से बड़े यार एक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा यार उस मूवी का भी भाई जो है गुड न्यूज़ ये कि उसका भी यार टीजर बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों ये जो दोनों मूवीज हैं ये यार इस ईयर की भाई मोस्ट फेवरेट ऑफ एवरी पर्सन, एवरी पर्सनालिटी बनने वाली है ये मूवी है। मैं अभी भी मेरे से यार ये चीज जो है लिख के ले लो, ये रिकॉर्ड कर लो चीज यार। ये जो दो मूवीज है, इन दोनों की जो हाइप है, इनका जो क्रेज है, इनके यार जो जो भी चीजें रिवील हुई है यार, एक से एक यार फंटेस्टिक है यार। इनकी तो भाई बात ही अलग है भाई। मुझे नहीं लगता कि कोई मूवी इन मूवीज को भाई कंपीट कर सके। जिस हिसाब से यार दिखाया गया है, जिस हिसाब से एक्शन सीन दिखाए गए हैं, जिस हिसाब से यार सीक्वेंस दिखाई गई है एक्शन की, जिस हिसाब से यार म्यूजिक दिखाया गया है, जिस तरीके से यार ग्लिम्स, जिस तरीके से पोस्टर, जिस तरीके से चीजें रिप्रेजेंट की गई है भाई, कमाल की है, कमाल की यार। तू सी ग्रेड हो डायरेक्टर शिवा यार, क्या टीम है आपकी यार, क्या मेहनत है। बिल्कुल एक यार कहती है ना यार, वो पांच साल क्या कर रहे थे यार, सो गए थे क्या? नहीं, यहाँ पे वो चीज नहीं है। ये तो ऐसे लग रहा है कि भाई एक एक सेकंड में इस मूवी के लिए भाई काम हुआ है। बिल्कुल आंखें खोल के, कान खोल के, बिल्कुल एक्टिवली हर टीममेट्स ने भाई इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो भाई ये जो मूवी है यार, ये जो है फंटेस्टिक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट और हिस्ट्री क्रिएट करने वाली जो है मूवी बनने वाली है। आपको यार इन दोनों मूवीज को लेके आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से ये मूवी है वो कैसी साबित होगी, आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।